प्रश्न संख्या 7 माननीय सदस्य सुश्री साक्षी चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि प्रदेश में पिछले एक वर्ष में कितनी सरकारी परीक्षाएं कराई गई। सरकार विवरण सदन की सभा पटन पर रखे। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी परीक्षाएं पेपर लीक के कारण रद्द की गई। सरकार विवरण सदन की सभा पटन पर रखे। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री सुश्री मिशल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा को यह बताना चाहूंगी कि प्रदेश में गत एक वर्ष में 2 सरकारी परीक्षाएं करवाई गई तथा प्रदेश में 2 परीक्षाओं को पेपर लीक के मामले में रद्द कर दिया गया। माननीय उपनेता प्रतिपक्ष हरिओम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे मेरी बातों को रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, आज मैं आप सभी के समक्ष खड़ा हूँ उस मुद्दे की रोशनी में जिसकी वजह से हमारी शिक्षा प्रणाली पर कहीं ना कहीं अंधकार छाया हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल पेपर लीक की। आज इस अपमानजनक घटना ने एक बार फिर सरकार की अक्षमता को सबके सामने जाहिर कर दिया। इसकी वजह से सरकार द्वारा किए गए चंद सरलतम कार्य भी आज मानो एक अराजक मेले के समान लगते हैं। महोदय, हिमाचल पेपर लीक सरकार की अयोग्यता को प्रमाणित करती है। यह घटना सिर्फ एक लापरवाही नहीं है अपितु मैं तो ये कहूंगा कि एक संगठित विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। महोदय, सरकार का दावा है कि वे शिक्षा सिस्टम को तो सुधारने में संलग्न है, लेकिन यह पेपर लीक बता रहा है कि उनकी नीतियों की सच्चाई कुछ और है। अगर संक्षेप में कहूं तो हिमाचल पेपर लीक की घटना ने सरकारी नेताओं की अनियंत्रितता और अव्यवस्था की कहानी को आज जग जाहिर करके रख दिया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अजी कम से कम इतना तो बता दीजिए कि पेपर लीक के मामलों में कितने दोषियों को सरकार सजा दिलाने में सफल रही है, या फिर हम ये समझें कि गुनहगारों को भी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री सुश्री मिशल। आरोपियों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई और हमीरपुर परीक्षा मामला कोर्ट में लंबित है।